अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए नावल जो कातले जान है उसका पार्ट टू लेकर आई हूँ। मैंने आप सब लोगों से पूछना था कि आपकी सबकी फरमाइश पर मैं ये सेक्शन स्टार्ट किया था इसके पार्ट वाइज, तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। तो काइंडली मुझे रिस्पांस दें कि आपको ये पार्ट वाइज नावल चाहिए या आपको फुल नावल चाहिए। अगर आप पार्ट वाइज नावल नहीं पढ़ना चाहते तो फिर मैं फुल नावल ही पोस्ट किया करूँ। वैसे तो फुल नावल भी पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन जो मैंने 9 बजे 8 बजे का सेक्शन स्टार्ट किया था कि उसमें पार्ट्स में हुआ करेंगे जो आपको पसंद है, तो वो बताएं वो ठीक रहेगा। अगर का रिस्पांस कम है तो फिर मैं उसको फिर कंटिन्यू नहीं करती, तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं। तो चलिए फिर आज इसको वहीं से ख़त्म करते हैं, सॉरी शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था। कातले जहाँ का जो है वो इसका पार्ट टू। एक कड़वा माशरे का सच, तुम्हारी बोली नहीं लगाई मैंने गुल, वो शख्स वैसे नहीं जैसा तुम समझ रही हो। कोई भी राय एक ही मंजर देखकर कायम नहीं करना, हमें जाना है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। मैं जानता हूँ तुम्हें इस लम्हे हमसे नफरत हो रही होगी, मैं बात कर लूँगा कुछ ना कुछ, मगर गुल एक बात याद रखना, बहनों से मोहब्बत ऐसी होती है जो आप जता नहीं सकते। तुम्हारा दिल जल्द ही साफ हो जाएगा, अपना ख्याल रखना और मुझे माफ़ कर देना। दोनों हाथ जोड़े वो अपना सर इन पर टकाए, माफ़ी मांग कर इन सबको साथ लिए इससे दूर वापस अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। बस इस बार एक चीज़ तब्दीली थी, वो थी गुल, जो आई तो इनके साथ ही मगर वो गए इनके बगैर थे। चलो लड़की जा चुके वो, आगा जा की भारी दहशत भरी आवाज़ पर वो तंजिया मुस्कुराई मुस्कुराती हुई अपनी बाईं जानिब खड़े सालिक शाह को बस एक निगाह देखकर निगाहें फेर गई। और इन स्याह निगाहों ने जो कुछ देखकर निगाहें फेरना अच्छी तरह महसूस किया था। तभी गुल ने सालिक शाह को अपने नज़दीक आते महसूस किया, अगले ही पल वो इसके नज़दीक आकर बिल्कुल सामने ही रुक गया। गुल की निगाहें झुकी हुई थी, वो कद में गुल से काफ़ी बड़ा था। यूं खड़े होने से साफ इसे महसूस हुआ वो सिर्फ इसके सीने तक ही आ रही थी। गुल की निगाहें सालिक शाह के हाथों पर गई जिनमें शाल थी जो अभी इसने अपने कंधों पर ओढ़ी हुई थी। वो समझ ना सकी वो क्या कर रहा है। अगले ही लम्हे सालिक ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी शाल इसे पूरी तरह कवर कर दिया। शाम की गहराई के साथ ठंड भी बढ़ रही थी। इस जानिब ठंड जिस्म को ठठरा देने वाली होती थी और सालिक शाह ने इस बात से वाकिफ था। तब सालिक शाह ने अपनी शाल इसके गिर्द नहायत ही नरमी से ओढ़ दी। वो इस शख्स को अपने वजूद से निचोड़ कर फेंक देना चाहती थी, मगर इस शाह से आती इस सहरंगेज़ व धीमी सी खुशबू ने जैसे इसे करने से रोक दिया था। वो खुशबू सालिक शाह की थी, इस जैसी सहरंगेज़ सहराना पुरसरार जहन पर अक्सर छोड़ जाने वाली। सालिक शाह इसे हवेली ले चलो, अभी बहुत कुछ बाकी है। आगा जांगी गर्जदार आवाज़ ने जैसे गुल जैसी बहादुर लड़की को भी एक लम्हे को सहमा दिया। चाहे वो जितनी बहादुर लड़की मगर यूं इतने अजनबी लोगों में वो अकेली थी, कोई भी एक अपना इसके पास ना था। इसे तन्हाई में अजीब से खौफ का दायरा इसके गिर्द बांध दिया गया था। इसे लगा सालिक शाह इससे कुछ कहेगा, मगर नहीं, सालिक शाह बगैर इससे कुछ कहे गुल की जानिब आया और बड़े हक से इसके हाथ को अपने मजबूत हाथ में जकड़ते हुए वो इसके लिए आगे बढ़ गया। कुछ फासले पर इसकी कार खड़ी थी, बगैर एहतजाज किए वो शख्स के साथ इसके साए तले चली गई। दिमाग की शनानी जैसे फटने को थी। आज जो 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 कुछ हो चुका था इसने गुल पर एक गहरा असर छोड़ा था। गाड़ी तक पहुंचते सालिक ने खुद इसकी जानिब का दरवाज़ा खोल से बैठा कर दरवाज़ा बंद किया और बगैर आगा का इंतज़ार किए और ड्राइविंग सीट संभाल कर हवेली की जानिब बढ़ गया। आगा को इसका यह अंदाज यकीनन अजीब लगा, मगर जानते थे कि वो गलत कर बैठे। शेर के मुंह में हार डालकर वो महसूस कर चुके थे कि नुकसान इनका अपना ही हुआ है। सालिक, इस लड़की को क्यों यहाँ क्यों लाए हो तुम? हाँ, और इसका हाथ क्यों पकड़ा है तुमने? ए लड़की उतारो ये शाल, मेरे बेटे की एक बेटा खा गई हो तुम सब मेरा खा गए हो तुम सब मेरा। अब इसको तुम लोगों के कब्जे में नहीं आने दूंगी। हवेली में कदम रखते ही जिनसे पहला तसादम हुआ वो सालिक शाह की अम्मा साई थी, जो अब तक निढाल सी थी। अपने जवान लगते जिगर की मौत का यकीन ना आया था इन्हें।
एक ही रात में इस हवेली पर कयामत टूट चुकी थी। ऐसे में इस लड़की को इस जगह वापस देखकर वो लपककर इनके नजदीक आई। अभी वो आगे बढ़कर गुल को कुछ भी करती, किसी साई की माने साले शाह इसके सामने आ गया। इसे इस तरह इसने अपने पीछे छुपाया जैसे वो हर तपती धूप से इसे महफूज कर देना चाहता था। अम्मा साई, आराम से, बीवी है मेरी, कोई गुलाम नहीं है। साई संभालो अम्मा साई को। एक साइड पर खड़े अपने ताया जात को मुखातिब करके वो बगैर वहां मौजूद किसी पर भी निगाह डाले गुल रुख का हाथ थामने अपने पोशन की जानी बढ़ गया, जबकि पीछे वो हैरान से अपनी जगह सख्ती के आलम में जम के रह गई। कुछ ही पल बाद वहां आगा जान दाखिल हुए। साईं, ये क्या कर कर गया है? वो तो वानी है और वानी बीवी कब से बन गई? वो मेरा ही बेटा था ना, जो अम्मा साईं कहते ना थकता था, और आज मुझसे यूं पेश आया। इस दोकड़ी लड़की के लिए अम्मा साईं आगा जान के सामने सवाल गोती, मगर इनके पास जवाब होता तो वो खुद हैरान और परेशान से थे कि एक काश बार बार एक काश था जो बार बार इनके जहन में आ रहा था कि काश किसी और से करा देते। आखिर इस लम्हे ऐसी कौन सी पट्टी बन गई थी जो सालिक शाह जैसे घमंडी और जिद्दी इंसान से बगावत मोल ले ली। पूरा गांव सालिक शाह से खौफ खाता था। अपनी हवेली क्या, दूसरी हवेली के मर्द भी बात के कहने से हिचकिचाते थे। 100 बार सोचकर हर कोई सालिक शाह से मुखातिब होता था। आखिर कैसे उन्होंने इससे उम्मीद लगाई? वो जैसा दरिंदा सिर्फ दरिंदा सही, मगर जब इंसाफ पर आता तो कोई मरता मर जाए वो लिहाज नहीं रखता था। वो भूल गए कि इस लम्हा वो सालिक शाह था, वो इनका खून था, इनका बेटा जरूर था, मगर कोई एक भी खूबी इन जैसी ना थी। अपने पोशन में दाखिल होते ही उसे सीधा अपने कमरे में लाया जहाँ किसी का भी आना अलाव ना था। वो सालिक शाह के सिवा कोई ना आता था। यहाँ तक कि वो खुद ही इतना सफाई पसंद था कि किसी को इसके कमरे या पोशन की सफाई की फिक्र ना होती थी। पोशन तो फिर भी अम्मा साईं जिद करके साफ करवा लेती थी, मगर सब जानते थे कि पिछले कितने सालों से ही सालिक शाह के कमरे में कोई ना गया था। ना जाने ऐसा क्या था वहां आने की किसी को भी इजाजत ना थी। फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलते सालिक इसे अपने कमरे में दाखिल हुआ। ब्लैक और ब्राउन थीम से सजा कमरा नहायत ही पोशीदा और खूबसूरत था। सामने ही बैठ के ऊपर एक बड़ी सी जाय नमाज जिस पर खाना काबा और रोजा रसूल बना हुआ था फ्रेम करके लगाई गई थी। कमरे में दाखिल होने वाले वाले की नजर बेसाख्ता इस पर ही जाकर टिकती थी। गुल की बाईं जानिब सोफा और सामने टेबल, दरवाजे वाली दीवार पर नसब एलईडी, जबकि बेड की राइट साइड पर 2 काउच पड़े थे। काफी कमरा बड़ा था। इसे आगे जाकर पूरी दीवार पर शीशा नस्ब था और सामने ही ड्रेसिंग रूम, मगर वो समझ ना सकी कि सोफे के साथ किस चीज़ का दरवाजा है। ड्रेसिंग रूम में जाओ, मेरे वार्डरोब से जो ठीक लगे वो लेकर चेंज करो, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। मेरे आने से पहले चेंज कर लेना। ड्रेसिंग रूम के सामने लाते सालिक ने हदायत देकर इसका हाथ छोड़ दिया। वो कब से इसका हाथ थामे हुई थी, तभी यूं अचानक छोड़ देने पर गुल को अपना हाथ खाली पंसा महसूस हुआ। ये क्या हो रहा था वो समझ ना सकी। क्या एक किरदार अच्छा था इस कहानी में या नहीं, ये कोई ड्रामा था। वानिकी की लड़की के बारे में से हर इलम था तो वो कैसे कोई भी अच्छी उम्मीद रखती। सालिक शाह जा चुका था, मगर पीछे वो गहरी सोचों में गर्क थी। सालिक शाह की बीवी है वो, किसी की निगाह इस पर बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वहशत भरी आवाज पर पूरी हवेली के अफराद ने खामोशी सदा ली। वो बीवी नहीं वानी है, जिसकी कोई औकात कोई रिश्ता नहीं होता। सालिक शाह अपनी माँ की आवाज़ पर फौरन रुख मोड़ता इनके सामने आया। सालिक शाह के मुंह आए हैं, आप सब अब मेरा और अभी तो सहना होगा ना। चैलेंज करती निगाहें इन पर गाड़े वो सबको बतला गया कि इनका फैसला किस कदर गलत था। देखो सालिक, तुम्हारा भाई मारा गया है। इस लड़की को इसकी बात बताओ, इसका वजूद इस कदर जख्मी कर दो कि ये अपनी ही मौत की भीख मांगे। यूं ना करो, तुम्हारे भाई की रूह तड़पे कि क्या तुम्हें सुकून मिलेगा। माँ के कहे लफाज पर सालिक शाह के लबों पर गहरी मुस्कुराहट ने अता किया। मेरी प्यारी माँ, ये हवेली मेरी दरिंदगी की गवाही गवाह है, ना मेरी जिद से मेरी हर इंतहा की गवाह है। ये हवेली अब बात मेरी गैरत पर पहुंची है। आगा को क्या लगा कि सालिक शाह मान गया तो वो झुक गया। सालिक शाह हूँ मैं, क्यामत हूँ अब इस हवेली के लिए। आंखें में उतरती जुनूनियत ने सबको कुछ भी कहने से बाज रखा। सालिक फिर
तुम भी मुझसे वाकिफ नहीं, मेरे कहर से तुम अनजान हो। इस लड़की को ऐसी मौत के मुंह में फेंकूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। आगा जान की सख्त बार और आवाज पर इसने तंजिया मुस्कुराहट होंठों पर सजाया, वो पास पड़े सोफे पर बैठ गया। टांग पर टांग रखे हुए बुरे बड़े आराम से आगा की तपिश भरी नजरों खुद पर महसूस कर सकता था। आगा आगा आगा, शहादत की उंगली में पहनी अंगूठी को घुमाते साली शाह ने गर्दन को दाएं बाएं हिलाकर इनको ऐसे पुकारा कि वो इस भपरे हुए शेर के सामने अब कुछ भी नहीं कहने से बाज थे, मगर निगाहों में वाजा था वो इसे चैलेंज कर रहे थे। इस वानी में आई लड़की को बचा सकते हो तो बचाओ। आगा, कोशिश भी मत कीजिएगा सालिक शाह की बीवी पर निगाह डालने के लिए। मैं इसके लिए मर सकता हूँ तो मार भी सकता हूँ, मेरी जुनूनियत को हवा मत दीजिएगा। इन्हें मौन करके सालिक साहिल डाइनिंग की जानी पर बढ़ गया। खाना ऊपर लेकर आओ, साथ में जूस के साथ पेन किलर भी। सामने खड़ी मुलाजमा को हुक्म देते सालिक ने अपने कदम ऊपर की जानी बढ़ा दिए, जबकि आगा बीचोताब खाकर रह गया। आखिर वो इस लड़की की इतनी अहमियत क्यों कर रहा था? ऐसी कौन सी गैरत थी जो इसकी जाग गई थी? वो समझ ना सके, वो तो इसे पहले से भी ना जानता था, अब सिर्फ मदद की थी इसकी, तो ऐसा क्या माजरा था? वो कड़ियों से कड़ियां मिलाते गहरी सोच में गर्क थे, जबकि हवेली के अफराद बारी बारी इन पर निगाह डालकर अपने कमरों की जानेब भड़के। कमरे में दाखिल होते साले की निगाह बेसाख्ते से वजूद को तलाश किए, जब इसकी निगाह अचानक राइट साइड पर गई जहाँ वो जायनमाज बिछाए सजदे में थी। जाए नमाज इसकी ड्रेसिंग रूम में ही होती थी, यकीनन इसने वहीं से ली थी। इसके खड़े होने पर इसे इल्म हुआ कि इसके ट्रोज़र के साथ वो इसका कुर्ता पहने हुए थी, जिस पर वही इसकी दी हुई शॉल को अपने गिर्द ओढ़े वो पूरी तरह नमाज पढ़ने में मगन थी। वो इसे ही देखने में मगन था जब अचानक दरवाजे पर नोक हुआ। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने वही मुलाजमा सर झुकाए ट्रे उठाकर खड़ी थी। ट्रे इसके हाथ से लेते सालिक ने वापस दरवाजा बंद कर दिया। इस लम्हे गुल सलाम फेर कर नमाज से उठ खड़ी हुई, वहां बैठकर खाना खा ले, क्योंकि दुआ भी नहीं ली आपने। मुलाजमा से पूछने पर ही इसे पता चला था कि इसने सुबह और दोपहर की दुआ नहीं ली थी, मगर वो वही एक जगह बुत की मानिंद खड़ी रही। जो ट्रोजर इसने पहना था वो इसे बड़ा और काफी खुला था, तभी इसमें गुल के पाँव तक छुपे थे। कमीज की आसीने इसके हाथों को भी छुपा रही थी, जबकि इसकी लंबाई इसके पाँव से कुछ ऊपर तक आकर रुकी थी। गुल के नज़दीक आते सालिक ने इसे बाजू से पकड़कर होश दिलाना चाहा, जब अचानक वो बुरी तरह इसके हाथ झटक कर दोनों हाथों से पूरा जोर लगा के इसे पीछे धकेल गई। इसमें इस लम्हा इतनी ताकत ना थी कि दूसरा वो कोई टीन एज लड़का ना था, तभी वो अपनी जगह से 1 इंच ना हिला। अलबत्ता इसके छूने पर वो आपे से बाहर जरूर हुई थी। छुआ कैसे आपने मुझे? कोई हक नहीं है आपका मुझ पर, समझे कोई दबूसी गांव की लड़की नहीं हूँ मैं। आई समझे, सुर्ख आंखों से इसे देखकर चलाती वो साले को अपने हवास में ना लगी। यकीनन इतना सब होने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता था। आंखों में गहरी संजीदगी लिए साले इसे देखता रहा। क्यों देख रहे हैं आप मुझे? हाँ, मुझे लगा था आप एक अच्छे इंसान हैं, मगर आपने मुझे ही गलत ठहरा दिया। एक बार फिर दोनों हाथों से इसके सीने पर जोर देते वो चलाई, जबकि इस बार बोलते बोलते इसकी आखिर में आवाज रंदगी, मगर वो वैसे ही संजीदगी से देखता रहा। आंखों में गहरी संजीदगी थी, जबकि लब आपस में सख्ती से पेवस्त किए वो जब्त के मराहिल पर था। जवाब दें मुझे, खामोश क्यों हैं आप? दीवानों की तरह बोलते बोलते वो बिलाआखिर थक कर इसे खामोश देख कर चलाती ड्रेसिंग पर रखी सारी चीज़ें ज़मीन पर बारी बारी फेंकने लगी, जिसमें अब मेज़ पर वो खाली गिलास भी था जो मुलाजमा ट्रे में रख कर लाई थी। बारी बारी वह हर चीज़ ज़मीन पोस्ट करती, कमरे का नक्शा कुछ ही पलों में बिगाड़ चुकी थी। ये सब करते करते इसकी शाल ड्रेसिंग के पास ही गिर चुकी थी। तीखे नक्कूश इस वक्त रोने के बायस और हसीन मंजर पेश कर रहे थे, जबकि सिल्की बाल पूरी कमर पर जुड़े में उलझ कर फैल चुके थे। आंखों में लगा काजल मिटा मिटा सा था, जबकि रोने के बायस आंखें और नाक दोनों सुर्ख थे। सर्दी की शिद्दत इसके सफ़ेद गाल भी सुर्खी अख्तियार किए हुए थे। आंखों से नमी जारी थी। वो जो कितनी ही देर से इसे दिखता रहा, अचानक कांच उठाते देखकर लम्हे में फासला तय करते कांच इसके हाथ से छीन कर जमीन पर उछाला। बस बहुत हुआ, मेरे वजूद को जी देना बंद करो। दोनों बाजू से पकड़ कर से नजदीक करते सालिक ने मुकाबिल की सांसें बुरी तरह उलझा दी। स्या पुरसरा निगाहें खुद पर महसूस करके वो सांस रोके से देखेगी, मुझे आप सबसे नफरत है। मेरे वजूद को मेरी ही नज़रों से गिरा दी, इतनी सस्ती थी मैं, यूं बेमोल कर दिया मुझे। सालिक शाह के सिने पर वार करती वो अपने शिकवा कर रही थी, गहरा शिकवा। क्यों, किस लिए? वो होश में होती तब सोचती, मगर वो इस लम्हा हर होश से बेगाना थी।
क्या बोल रही थी, क्या कह रही थी, किसी चीज़ का इल्म से ना था। मिसेस सालिक शाह होश में आए, गर्दन से दबोच कर चेहरा अपने सामने करते सालिक ने इसके चेहरे पर बहे इन बूंदों को नरमी से अपनी अपनी पोरों से चुना। होश में हूँ मैं, मगर आप सब नहीं। मैं सबसे नफरत करती हूँ, सबसे। आखिरी दो अल्फाज इसने कदरे चला कर कहे, जिसे से यकीन दिलाना चाहती हो। छोड़े मुझे, हाथ मत लगाएं, मना किया था ना। चटके से दूर होती वो पीछे दीवार से जा लगी, जबकि दूसरी जानी वो ज़मीन पर पड़ा कांच बिखरा पड़ा था। एक जानी वो कांच देखता, दूसरी जानी वो उस दीवानी को। अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरा लम्स ही मेरे वजूद पर अपने वजूद पर सहना होगा। इसके पास घुटनों के बल बैठते सालिक ने खींच कर इसे अपने सीने में पीचा, जबकि गुल मजामत करती करती इसे भी दीवार से लगा गई। सालिक शाह दीवार से लगकर इससे वजूद को मजबूती से अपने वजूद में बींच गया। कितनी ही वो घुटी घुटी सिसकियां इसके सीने में दम तोड़ गई, जबकि न जाने वो कौन सी जब्त की तहा थी जहाँ इस लम्हा सालिक शाह था। बस बस, नरमी से इसके वजूद को सलाते दीवार से टेक लगाए वो इसे वैसे ही कई कितनी देर बैठा रहा, यहाँ तक कि सिसकियाँ बंद हो गई और गहरी गहरी सांसें वाजह और रोते रोते सो चुकी थी। सुनसान रात ऐसे में सुनसान सड़क पर गाड़ी के बोनट पर बैठे इस शख्स ने एक गहरा सिगरेट का कश लेते सिगरेट जमीन पर उछाल दी। स्याह सूट में मलबूस वो दिखने में गजब का हैंडसम था। से आंखों में गहरी सुर्खियां उतरी हुई थी। ऐसे में सिगरेट ने भी आज भारी चटकते हुए असाब पर काबू ना पाया। न जाने वो कितनी ही सिगरेट से सीना जला चुका था, मगर जुनून था जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में पेशानी को दो उंगलियों से मसलते वो अगले ही पल एक ही चिश्त में कार से उतरकर भारी भारी कदम लेता ड्राइविंग सीट पर आया। दूसरी सीट पर पड़ा फोन एक बार फिर चिंगारने लगा, जिसको पूरी बड़ी आसानी से नजरअंदाज करते फुल स्पीड से कार स्टार्ट करते हुए इसने कार आगे बढ़ा दी।